भेड़िया आकर के पाछे से मेरे गर्दन को पकड़ लिया। पीछे घूम के देखें तो उका भागते हुए हम सब देखें। उसका कोई आकार नहीं होता, वो अफवाह है या हकीकत ये भी कोई नहीं जानता, लेकिन जैसे ही कोई उसका नाम लेता है माथे पर पसीना आ जाता है, टांगें कांपने लगती हैं और जिस्म में खौफ का करंट दौड़ने लगता है। कभी यह दहशत भेड़िया बनकर आती है, कभी चोटी कटवा तो कभी मुंह रोचवा। आज एबीपी न्यूज के स्पेशल शो में मैं आपको बताऊंगा बहराइच से बिहार तक के उस हॉरर के बारे में जिसका खौफ आज तक कायम है। पूरे 5 दिन और 5 रात तक बहराइच में भेड़िये की दहशत का कोई सबूत नहीं मिला। जिस्म को फाड़ देने वाले दांतों ने 5 दिन तक किसी का शिकार नहीं किया। बहराइच वालों को लगा कि अब शायद 4 पैर वाले आदमखोर का आतंक थम गया है, लेकिन आदमखोर ने अगस्त की आखिरी रात ऐलान कर दिया कि सितंबर की शुरुआत उसके खौफ की हेडलाइन से होगी। इकतीस अगस्त की रात बहराइच में फिर से भेड़िये के आतंक का करंट दौड़ गया। 9 साल का पारस और 58 साल के कुन्नू पर भेड़िये ने हमला कर दिया। ये हमला कैसे हुआ, किस वक्त हुआ, कहां हुआ, ये सब फैक्ट एबीपी रिपोर्टर विवेक श्रीवास्तव ने शिकारी के शिकार से समझा और जाना। एबीपी न्यूज के कैमरे पर भेड़िये का हमला झेलने वाले कुन्नू ने जो हॉरर हकीकत बताई है उसका एक एक शब्द बहराइच वालों की नींद उड़ा रहा है। कितने बजे हमला हुआ आप पर? 4 बजे भोर में। क्या कर रहे थे आप 4 बजे? 4 बजे भोर में हम दरवाजा खोल करके बाथरूम को गए, उधर से जब वापस आए तो चारपाई पर हम बैठ गए, और जैसे हम बैठे भेड़िया आकर के पाछे से मेरे गर्दन को पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तब हमारी आवाज बंद हो गई, तब हम पाछे से उसका मुंह जब है हाथ में हमारे आ गया, तो जब ताकत लगा के जब उनको फैलाए गर्दन हमारा छूट गया। 1 मिनट 2 मिनट तक उनका गर्दन उनका पकड़े रहे, तब हमारी पत्नी जाके कहीं क्या हो गया, हमका भेड़िया पकड़ लीस मेरे को। तब हल्ला की शोर में जाइस हमारे भाई लोग दौड़ करके आए, तब तक भेड़िया हमारे यहाँ से छूट करके दरवाजे के बाहर चली गई। प्रशासन कुछ कर रहा है, इलाके में ढूंढ मुड़ रहे हैं सब? ढूंढ रहे हैं। मिल क्यों नहीं रहे? अब मिला जंगल ज्यादा है सर, इधर निकल गया तो उधर निकल गया, क्या करें। कुन्नू पर रात करीब 3:30 बजे भेड़िये ने हमला किया, जबकि पारस पर इससे 105 मिनट पहले अटैक हुआ। आज पारस और कुन्नू दोनों का एक ही अस्पताल में इलाज हो रहा है, लेकिन आदमखोर के हमले से पहले पारस और कुन्नू के बीच 6 किलोमीटर की दूरी थी। सवाल है कि दोनों को एक ही भेड़िये ने टारगेट किया या फिर गैंग्स ऑफ वुल्फ बेखौफ होकर शिकार पर निकल पड़ा है। नन्हा पारस भेड़िये के हमले से इस कदर सदमे में है कि जुबान से कुछ भी नहीं निकल रहा, वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं, लेकिन उसकी माँ को वुल्फ अटैक की पूरी टाइमलाइन पता है। इस पे कितने बजे हमला हुआ, कैसे हुआ? 1:30 बजे रात में, चारपाई पे सोई रहा है। कहाँ सो रहा था, छत पे, बाहर या आंगन में? इतना है चौमंडल से मैंने है, मतलब वो गठनाई है, सोई रहा है। तो 1:30 बजे जान ना मिला किधर से थी आवो है, आओ भाई के इसे न घटाई पकड़ ली पीछे से थी। अभी जब खींचने लगा वो अपने लंका खींचने लगा, ये अपने लंका खींचे तो हमारे सर पर जब एक पैर लाग तो हम कहा वो भैया तो इना बोला, तो हम पाछे मुड़ के जब देखें तब यू का खींचे, ये अपने लंका खींचे। जब खींची खूंचा भवा तो हल्ला दंगा हो सु भागी के भेड़िया आए, तलब तो जब भगा तभी का गोद में उठाएं तो देखें मारे खून संभाल ले। हाँ तब लेके भागे हैं, 100 नंबर रहा वो थी, फोन करवाए तुरंत लेके आए। एबीपी रिपोर्टर विवेक श्रीवास्तव बहराइच के जिस भी कोने में जा रहे थे वहां की आबादी में भेड़िये का खौफ महसूस हो रहा था। अस्पताल में जिसने भी अपनी आंखों से कुन्नू और पारस को देखा उसका डर डबल हो गया। ये जानकर हम भी हैरत में थे कि वुल्फ अटैक का एपिसेंटर बन चुके बहराइच में कई लोगों का पूरा दिन
भेड़िये को ढूंढने में बीत रहा है। भेड़ियों का आतंक है तो गांव वाले जहां भी जाते हैं कोशिश करते हैं कि झुंड बनाकर जाएं, साथ में कुछ नुकीले हथियार रखते हैं, कोशिश करते हैं कि वहां तक जाकर देखें कि आखिरकार ये जंगल कितना घना है और आतंक है। जैसे कि देखिए इनके हाथ में भी है खुर पे रख रखे इन्होंने, ऐसे कोई भी नुकीला होती हथियार जो गांव में मिल जाता है उसको लेकर जो गांव वाले भाई लोग हैं वो निकल जाते हैं इसी तरह से जंगलों की ओर। बहुत दिक्कत होती है ना? हाँ जी दिक्कत तो होती है, दिनों बहुत ज्यादा और भी वैसे भी आ गए ना। हाँ हाँ बहुत ज्यादा आ गए। अभी कितने लोग डर के मारे नहीं जाते हैं कि अकेला कौन जाएगा, अकेला उधर से रात हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, धान भी नहीं सो पा रहे हैं लोग इस टाइम में। झुंड में आ रहे हैं कि एक दो ही दिख रहा है? अभी तो झुंड में नहीं दिख रहे हैं, पहले दिखे थे झुंड में तो दिखाई दिया है, उसके बाद नहीं दिखाई दिया है। रात में हम लोग सोते नहीं है, रात में पूरे रात नहीं सोते, रात जागते हैं। डेरा में और ज्यादा डर बढ़ जाता है। सभी लोग कहते हैं कि घर में सोइए, तो मान के चले घर में सब लोग सोते हैं, तब तक नहीं आएगा, अंधेरा हो जाएगा तो आ जाएगा। इलाके के लोग हथियारों से लैस हैं लेकिन इनमें से किसी को नहीं पता कि भेड़िये उनसे कितनी दूर हैं। क्या वो उन्हें देख रहे हैं? क्या भेड़िया रात में फिर निकलेगा? ऐसे सवाल बहराइच को डरा रहे हैं। एबीपी रिपोर्टर भेड़िये की तलाश में अस्पताल से बाहर निकले तो एक गांव वाले ने सनसनीखेज दावा कर दिया। गांव वाले ने कहा कि उसने कुछ ही मिनट पहले आदमखोर को देखा है। बहराइच के उन रिहायशी इलाकों में हूँ जो जंगल के बिल्कुल सटे हुए हैं, मतलब जंगलों के पास जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर, वहीं पर मुझे कुछ लोग जो हैं वो आते हुए दिख गए हैं। जरा उनसे बातचीत करते हैं। ये बीच में देखिए आती है ये नदी और इधर आप इलाका देखेंगे तो पूरा जंगल का इलाका है, गन्ने के खेत हैं, इधर पूरा जंगल है। जरा इन लोगों से बातचीत करते हैं कैसे भेड़िए का आतंक पूरे इलाके में फैला हुआ है। भैया भेड़िए ने बहुत जीना मुहाल कर रखा है। हम सब उधर निकलते रहा जंगल के उस पार में, पूरा तरफ जंगल पर उस पार गए थे। फिर तो हम सब हुआ निकलते रहा, जब पीछे घूम के देखे तब उका भागते हुए हम सब देखे। हाँ कितने देर पहले? एक घंटा पहले। एक घंटा पहले? कब कब दिखता है? कब कब दिखता है भैया? अरे कहीं जब इधर उधर जाओ तो दिखता। एक दिन हम देखा था हमारे वहाँ रोड पर परसों रात को। आप लोग जागना पड़ रहा है डर के मारे? हाँ तो एक दिन हम रात में उठे तो देखन की सड़क के इपार से कूदा, सड़क के उपार पक्की के चला गया। रात भर पूरी रात जागना पड़ता है? पूरी रात जागना पड़ता है, पूरी रात। सब लोग चलते फिरते हैं, जैसे सरकारी कर्मचारी जो आते हैं वो भी चलते हैं, तो जागते रहना। लेकिन एक दिन का हो तो जागे आदमी, दिन भर काम करेगा कौन जागेगा रात भर। दिन बीत रहा था, रात होने को थी और रात का अंधेरा गांव वालों का चैन छीन लेता है। रात होते ही भेड़ियों की आदमखोर पलटन एक्टिव हो जाती है और अगर रात में लाइट चली गई फिर तो दहशत का मीटर रिकॉर्ड तोड़ देता है। भेड़िये की दहशत तो अभी बहराइचपुर तक ही सीमित है लेकिन मुझे करीब 20 साल पहले का वो दौर याद आ रहा है जब मुंह नोचुआ नाम की दहशत के आगे यूपी बिहार और यहां तक कि दिल्ली में भी लोगों ने रात को घर से निकलना बंद कर दिया था। मुंह नोचुआ जो उड़ते हुए आता था और लोगों के चेहरे पर वार करके गायब हो जाता था, तो क्या वो मुंह नोचुआ कहीं मिला? वो वक्त था 2002 का। उत्तर प्रदेश और बिहार के गांवों में शाम होते होते लोग अपने घरों में कैद हो जाते थे। वो डरते थे कि अगर रात में अकेले बाहर निकले तो मुंह नोचुआ हमला कर देगा। मुंह नोचुआ वो जो मुंह पर हमला करके गायब हो जाता है। उस वक्त पूर्वांचल के इलाके में मुंह नोचुआ के हमले की खबर रोज अखबारों में छपती थी, रोज घायल शिकार सामने आते थे लेकिन मुहनोचवा से जुड़ी कोई सॉलिड इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं होती थी। हाँ एक बात जो सबसे ज्यादा वायरल थी वो ये कि जिन लोगों ने खुद पर मुहनोचवा के हमले का दावा किया था वो ये कहते थे कि मुहनोचवा उड़ने वाली चीज है, वो लाल पीली या हरी लाइट वाला है और अंधेरे में शिकार करता है। बहराइच का भेड़िया भी अंधेरे में ही निकल रहा है, अंधेरे में ही शिकार कर रहा है और अंधेरे में ही खून बहा रहा है। मध्य रात्रि का वक्त है और ये गांव वाले जाग रहे हैं भेड़िये के आतंक से। ये आतंकित हैं, सबके हाथ में लाठी डंडे हैं, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी है, जिसको जो मिल रहा है वो लेकर जाग रहा है। गांव वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि इस पूरे मामले में वन विभाग ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उसके कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
क्योंकि सबूत सामने है। एक और वो ड्रोन कैमरे से और नई तकनीक के इस्तेमाल से सर्च ऑपरेशन की बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें भेड़िया नहीं मिल पाता है। और गांव वाले जब झुंड बनाकर खेत में जाते हैं तो वहां से भेड़िया निकलकर भाग जाता है। तो सवाल सर्च ऑपरेशन पे भी इन आरोपों के बाद उठने लगे हैं। भागो भागो चोटी कटवा आया, इतना शब्द कान में गिरते ही लोग अंधी दौड़ लगाना शुरू कर देते थे। और ये दहशत, ये खौफ मैंने भी लोगों के चेहरे पर देखा था। बात 2017 के आसपास की है। वो आता था और लड़कियों के महिलाओं के बाल काटकर भाग जाता था। आखिर उसे महिलाओं की चोटी क्यों चाहिए थी? सुबह एक अफवाह से शुरू होती थी, लेकिन रात होते होते कोई सामने आ जाता था, अपनी कटी हुई चोटी दिखाता था और दावा करता था कि किसी ने उसकी चोटी काटी। किसी को बेहोश करके तो किसी को राह चलते ही वो मिल जाता था और चोटी काट लेता था। 2017 में एक साथ भारत के कई राज्यों में चोटी कटवा की दहशत फैल गई। गांव कस्बे में जो भी अनजान शख्स दिखाई देता उसे चोटी कटवा समझकर कई बार पीट दिया जाता। सालों पहले एबीपी न्यूज के कैमरे पर भी कई ऐसे लोग आए जिन्होंने चोटी कटवा का शिकार होने का दावा किया। प्रशासन की ओर से सिर्फ यही बयान आता कि अफवाहों में यकीन न करें, लेकिन वो चोटी कटवा के डर को कम करने में कामयाब नहीं हुए। यूपी के लखीमपुर में भी चोटी कटवा का खौफ था। ये अलग बात है कि आज वहाँ चोटी कटवा का नहीं, आदमखोर बाघ का खौफ फैला है। बाघ के साए में खौफजदा गांव वाले मशाल जुलूस लेकर निकले हैं। जागते रहो की आवाज बुलंद कर रहे हैं ताकि ये आवाज शासन प्रशासन मुख्यमंत्री तक पहुंचे। और ये काफी खौफजदा हैं क्योंकि 3 लोगों की मौत हो चुकी है, दर्जनों लोग घायल हो चुके हैं। ऐसे में गांव के ये लोग निकले हैं और अपनी आवाज को उठा रहे हैं ताकि शासन प्रशासन सचेत हो। जागते रहो कि जो आवाज है ये इनका दर्द है और ये इनकी परेशानी है। बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं। ये चाहते हैं कि एक चेतना आए, संदेश शासन तक पहुंचे। क्या कहना चाह रहे हैं दादा? कहना ये चाह रहे हैं, हाँ। 4 दिन से हम लोग परेशान, हाँ। न चारा, हाँ। न फट्ठा, हाँ। सब परेशान, हाँ। एक नहीं 20 गांव तक हमारे यहाँ जो है, हाँ। वो चारा कटाई बंद है। ये बाघ है हमारे यहाँ पे जिसको वन वाले पकड़ नहीं पा रहे हैं, और वन वाले कहते हैं कि हम इस तरीके से पिंजड़े से कैसे पकड़ेंगे, और उनको दूसरी व्यवस्था, कोई दूसरा तरीका निकाल के दिया जाए। दूसरी चीज ये है कि सरकार कहते, लेखपाल आते हैं तहसील से, राजस्व विभाग से, वो कहते हैं कि आप पराली जलाते हो, लखनऊ में कैमरा लगे हमारे हैं, वहाँ से कैच हो जाता है, लेकिन और यहाँ आज ये शेर नहीं कैच हो पा रहा है, लखनऊ से कैसे पराली जलाने वाला काम कैच हो जाता, हम लोगों का जुलवाना देना पड़ता है उसका। किसी प्रकार से ये पकड़ा जाए, हम लोगों को निजात मिले, हम शांति पाए। हम बहुत त्रस्त हैं, पूरा गांव परेशान है। इस शेर को पकड़ने के लिए हम ये सब जुलूस और ये सब जो कर रहे हैं, वो शेर को पकड़ने के निमित्त हमारा हो रहा है कार्यक्रम, इसी में हम सब लोग रात दिन परेशान है। और ये है उस बाघ की सबसे लेटेस्ट पिक्चर जो 3:40 पर रिकॉर्ड की गई, यानी लखीमपुर में दहशत का दूसरा नाम बन चुके बाघ की लोकेशन मिल चुकी है, इलाका पता चल चुका है। ये गर्थनिया इलाके की तस्वीर है जहां जंगल का दुर्दांत शिकारी बेखौफ अंदाज में शिकार खोज रहा है। वन विभाग की टीम भी पूरी तरह तैयार है, लेकिन अभी तक ये खूंखार फरार है।
इमलिया गांव के खेतों में वन विभाग के लोगों ने पिजड़े लगाए रखे हैं, उसमें बकरी भी बांधी है ताकि जो बाघ है वो आए और बकरी के चक्कर में पिजड़े में फंस जाए। ये जो वन विभाग के कर्मचारी हैं, यहां से 50 मीटर की दूर पर वो पिजड़ा है। हमारे साथ राम नरेश वर्मा जी हैं जो डिप्टी रेंजर हैं, वो इसकी निगरानी कर रहे हैं। यहाँ से कुछ दूर पे जो पिजड़े हैं उनकी निगरानी आप कर रहे हैं, किस रूप में आपको वहाँ आवाज़ आएगी जब वो पकड़ा जाएगा? यहाँ से सर जैसे ही हमको आवाज़ आएगी, रात हो गई है तो एकदम जरा भी आवाज़ आएगी तो तुरंत खट होगा, तो हम लोग अपना जो है जा करके उसको देखेंगे। हाँ। अपने अधिकारियों को सूचित करके उनके निर्देशन में जो भी होगा उसे आगे कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, अब आपको लखीमपुर के खूंखार शिकारी पर सबसे लेटेस्ट अपडेट देते हैं। बाघ को पकड़ने के लिए लखीमपुर का वन विभाग नए एक्शन प्लान के साथ रेडी है। शाम 5 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक बाघ के मूवमेंट को देखते हुए नाइट विजन कैमरे की तादाद बढ़ा दी गई है और निगरानी टीम के सदस्यों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। अब आदमखोर को 120 लोगों की टीम ढूंढ रही है। 10 ड्रोन भी बाघ को आसमानी नजर से खोज रहे हैं। पहले 6 पिंजरे लगाए गए थे लेकिन अब 11 कर दिए गए हैं। दूसरे जिलों से भी टाइगर एक्सपर्ट्स को लखीमपुर बुलाया गया है। गाँव वालों को सतर्क किया जा रहा है। इमलिया गांव के जो पुरुष हैं और बच्चे हैं वो खेतों में जागते रहो का नारा लगा रहे हैं, लेकिन जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं और बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो गांव में अपने बच्चों और घरों की रक्षा कर रही हैं, वो भी आवाज बुलंद कर रही हैं कि ये आवाज जो है वो सरकार तक पहुंचे। हाथों में लाठियां हैं, किसी के हाथे में भाला है, किसी के हाथ में कुछ भी ऐसी चीज है जिससे ये फरसा है, जिससे वो बाघ के प्रकोप से बच सके। मेरा यही कहना है वन विभाग वालों से कि हमें सुरक्षा चाहिए और जल्द से जल्द शेर को पकड़ा जाए। बस हमें यही कहना है कि मोदी जी से अनुरोध है कि वो जल्द से जल्द बाघ को पकड़ने की अनुमति दें और बाघ को पकड़ा जाए, सुरक्षा हम लोगों की हो सके। क्या बेटा? हम लोग सुरक्षा चाहते हैं, इसीलिए रात को जगते हैं और पापा लोग खेत जाते हैं तो चिंता लगी रहती है। बस यही चाहिए योगी जी से कि जल्दी से जल्दी बाघ को पकड़ें या वन विभाग वाले सख्ती करें। हमें बस यही कहना है कि बाघ पकड़ा जाए और हम स्कूल भी नहीं जा पा रहे, कोचिंग भी नहीं भांजी हो रही है, इससे तो रिजल्ट भी हमारा डाउन हो जाएगा, तो बाघ पकड़ा जाए। जंगल के एक पुराने शिकारी को पकड़ने के लिए नई स्ट्रेटजी कितनी काम आती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन टाइगर की दहशत ने एक बार फिर 2 दशक से ज्यादा पुराने टेरर चैप्टर को ओपन कर दिया है, जिसका विलन था एक मंकी। साल 2000 के आसपास जब दिल्ली तेजी से डेवलप कर रही थी तब मंकी मैन की दहशत भी डेवलप हो रही थी। मंकी मैन के बारे में लोग बताते थे कि वो ऊंची ऊंची मंजिलें चढ़ जाता था, कहीं भी कूद खान जाता था। वो दिखता है बंदर जैसा लेकिन अटैक करता था किसी फाइटर जैसा। आखिर क्या हुआ उस मंकी मैन का? क्या हुआ दिल्ली एनसीआर की सबसे बड़ी दहशत? वो बंदर जैसा इंसान था या इंसान जैसा बंदर, कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो कभी पकड़ में आया ही नहीं। उसके किस्से आज भी दिल्ली एनसीआर में वायरल हैं। बहराइच का भेड़िया और लखीमपुर का बाघ तो कैमरे में कैप्चर हो चुका है, लेकिन वक्त के साथ मंकी मैन की दहशत खत्म हुई तो लोगों ने अफवाह मानकर ये भी मान लिया कि वो लोगों की ही गढ़ी हुई कहानियां थीं।